हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरकार जल्द करे अकाल घोषित करावे। खिचड़। समूचे मारवाड़ सहित जालौर जिले में इस वर्ष बारिश कम होने से किसानों के खेतों में खड़ी फसल जलकर नष्ट हो चुकी है। वहीं यदि पिछले वर्ष की बात करें तो जालौर जिले में भारी बाढ़ आने से किसानों के खेतों में खड़ी फसल और भूमि कटाव से किसानों को भारी नुकसान हुआ था और इस वर्ष में हुआ भयंकर अकाल से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसान संघर्ष समिति के तहसील अध्यक्ष दीपाराम खिचड़ ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही मारवाड़ में अकाल घोषित करके किसानों को पर्याप्त मुआवजा देकर आवारा पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की जाए। खिचड़ ने बताया कि सरकार किसानों के हित में जल्द अकाल घोषित कर मुआवजा नहीं देती है तो आगामी दिनों में रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। खिचड़ ने जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों से भी अपील की कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलकर जिले सहित मारवाड़ क्षेत्र में अकाल घोषित करवाकर किसानों को राहत प्रदान कराई जाए। मीडिया के सभी मित्रों, पूरे मारवाड़ संभाग में इस साल भयंकर अकाल पड़ चुका है। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि सरकार जल्दी अकाल घोषित करे और किसानों को अपना मुआवजा दे। किसान खाद, बीज और डीजल खेत के अंदर खर्चा करने के बाद में उनकी फसल बाजरी, ज्वार और ग्वार पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार जल्दी से जल्दी अकाल घोषित करके किसानों को राहत पहुंचाए और हमारे पशुधन आवारे जो घूम रहे हैं उनको पशु के लिए पशु चारा उपलब्ध करवाए। नहीं तो हम सरकार के खिलाफ में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमें मजबूरन न होना पड़े कि ऐसा करना पड़े, उनसे पहले जल्दी से जल्दी सरकार अकाल घोषित करे। हम 2015 और 17 के अंदर भी अतिवृष्टि से परेशान हो चुके थे, अतिवृष्टि से बर्बाद हो चुके थे और इस बार काल पड़ चुका है, राम रूठ चुका है, राज न रूठे, ये हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो आचार संहिता लगे उनसे पहले पहले अकाल घोषित करके किसानों को उचित मुआवजा दे। नहीं, हम इस जनप्रतिनिधियों को कहना चाहते हैं कि आप सरकार को चेता दे कि हमें अब की बार गांवों के अंदर लोग घुसने नहीं देंगे, नहीं किसानों को अपना हक, ये अकाल का हक दिलाए। रानीवाड़ा से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।